सो हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज जगदीश और दोबारा आ गया हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तो जैसे कि मैंने बताया लास्ट ब्लॉग में, अगर आपने देखा होगा, नदी के उस पार मामा का एक और घर है, वहाँ पे मैं आया हूँ। एक फार्म हाउस टाइप में घर है, खेतों के बीच उन्होंने घर बना लिया ताकि खेती की रस्ती भी देखते रहे और यहाँ रह भी सकें। यहाँ पे सब मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। पीछे मेरे मामा ने ऊख बोया हुआ है, आप देख सकते हैं। गन्ने की खेती है, काफ़ी बड़े बड़े हो गए, आप देख सकते हैं। पीछे घर भी है, आप देख सकते हैं। तो बचपन में जब हम ठंडी के मौसम में ऐसा जब हो गन्ने हुआ करते थे तो गन्ने चूसा करते थे, यानी ऊख चूते थे, देसी भाषा में बोलते हैं। तो वो बचपन के दिन याद आ गए गाइस। काफ़ी क्वालिटी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया हुआ है। जैसे चना वगैरह है, चना बोया है, केराई बोई है, यानी मटर बोई है, उखाड़ के खाना, गन्ना चूसना, अमरूद खाना, सर्दियों के मौसम में फेवरेट आलू भूज के खाना, एक फेवरेट चीज़ है। तो सब चीज़ें गई। मैं भी इस समय खेत में खड़ा हूँ गाइस। यहाँ पे चावल की खेती की गई थी, यानी धान बोया गया था तो उसे काट लिया गया है और अब इसे फिर से इसे जोत करके दोबारा जो है गेहूँ वगैरह बोया जाएगा इसमें। तो मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे मैं आपको बैक कैमरा दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ खेती की गई, आप देख सकते हैं। यहाँ पे वहाँ पे कुछ आलू बोया गया है, ये देख सकते हैं आप। कुछ लोग हैं जो खेतों में काम कर रहे हैं और धान के गट्ठर बनाए गए हैं खलिहान में ले जाने के लिए। यहाँ पे धान काट लिए गए हैं, आप एक देख सकते हैं। वो घर पेड़ों के बीच में घर मामा का, मेरे छोटा सा सुकून गाइस यहीं पर है और कहीं नहीं है। मैं तो यही कहूँगा गाइस कि जब भी समय मिले ज़रूर अपने गाँव, नानी गाँव, अपने गांव जरूर जाया करें। सो गाइस देख सकते हैं, मेरे नाना जब भी वो जिंदा थे तो उन्होंने जो है यहाँ पे ट्यूबवेल लगवाया था यहाँ पे, ताकि खेतों की सिंचाई की जा सके। पहले गाइस ऐसा हुआ करता था कि अपने यहाँ ट्यूबवेल नहीं हुआ करता था और पास में नदी है तो वहाँ से पानी अक्सर यहाँ पे सिंचा करते थे। बट थोड़ी सी दिक्कत होने की वजह से समझ में आया तो उन्होंने यहाँ पे एक ट्यूबवेल गड़वा दिया था यहाँ पे, ताकि यहाँ से खेतों की सिंचाई की जा सके। तो उनके लगाने से काफ़ी लोग अगल बगल जो है जिनके खेत है उनके उनको भी खेतों में पानी मिल जाया करता था। तो जो भी जो पैसे वैसे दिया करते थे उस समय, तो नाना जब तक थे तब तक यही काम करते थे, खेतों की रस्ते देखना, ट्यूबवेल चलाना। यहाँ पे कल थी जो गन्ने का रस निकालते थे। अब तो फिलहाल गाइस गन्ना कोई नहीं इतना बो रहा है। तो वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ आलू उलू बोए गए हैं और काफ़ी बड़े बड़े हो गए, देख सकते हैं चल रहा है। बीच में पूरा डाल दिया गया है ताकि जो यहाँ पे जो जंगली जानवर जिसे घटरोज कहते हैं वो उससे बच सके। सो गाइस आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक छोटा ट्यूबवेल है जो नाना ने मेरा लगवाया था। सो वहाँ से पानी जाता है खेतों के लिए, देख सकते हैं आप। काफ़ी हरियाली है यहाँ पे, छोटो की क्यारियाँ बना करके सब्जियाँ लगाई गई हैं, खेत के गट्ठर यहाँ सॉरी धान के गट्ठर यहाँ पे रखे गए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसी यूज़ करते हैं एज ए खलिहान यहाँ पे, यानी यहाँ पे धान सटकना वगैरह सब किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये राउ ट्यूबवेल। तो बचपन में हम लोग काफ़ी समय जब मिले ट्यूबवेल जब चालू रहता था तो उसमें नहाते थे, बड़ा मज़ा आता था नहाने में। जो शहरों में शावर लगा होता है शायद उससे उतना इंजॉयमेंट ना हो सके, बट इससे काफ़ी इंजॉयमेंट होता था, बड़ा मज़ा आता था नहाने में। आई एम श्योर कि जो आप लोग अपने अपने गाँव में या दादी की नानी के गाँव में अगर जाया करते हो तो ट्यूबवेल में आई एम श्योर कि सभी लोग नहाते होंगे। सो उस तरह का ही इंजॉयमेंट यहाँ पर मिलता था और कुछ नहीं है। सो एक अलग तरह का सुख होता है गाइस, एक पीसफुल जगह है यहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। शहर की भीड़ भाड़ से उतना समय नहीं मिल पाता है गाइस कि यहाँ पे टाइम व्यतीत कर सके, बट हाँ यहाँ पे अगर छुट्टियाँ जब मिले तो ज़रूर जाया करें और टाइम स्पेंड किया करें। सो इस तरह से ही है, देख सकते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जियाँ लगाई गई हैं, यहाँ पे जो है लहसुन बोया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आलू जैसे मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे भी लहसुन बोया गया है। बीच बीच में शायद से इसमें राई बोई गई है, सरसों, और वो रही मेरे नाना नानी की कब्र।
सो गाइस आप सोच रहे हो कि यहाँ पे खेतों में क्यों उन्हें दफन किया गया, क्योंकि नाना रानी मेरे जो थे वो गुरमुख थे गाइस। सो इसीलिए यहाँ पे है गुरमुख जो होते हैं उन्हें जहाँ पे कब्रिस्तान होता है जो सब लोग का गाड़े जाते हैं वहाँ पे नहीं गाड़ा जाता है, उनका एक जगह होती है वहीं उनके गाना पड़ता है, गादी वगैरह लगाना पड़ता है, संत वगैरह आते हैं, गाना बजाना भजन वगैरह होता है जिसे निरूल कहते हैं, ये सब होता है। तो वो थे इसीलिए यहाँ पे उन्हें यहीं पे गाड़ा गया है। पीछे मेरे देख सकते हैं आप सब्जियां लगी हुई हैं, जैसे बताया मैंने कि आलू खेती की गई है और साथ में राई है और कुछ सब्जियां हैं जिसकी जानकारी मुझे नहीं है, जितनी जानकारी थी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये एक जगह है गाइस जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे एक रास्ता है, साथ में अपने पीछे दिखा हुआ मेरे वो खलियान है वहाँ पे, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि धान वगैरह काटने के बाद गट्ठर बनाने के बाद वो खलियान में ले जाते हैं धान सटकने के लिए, इससे दाने अलग करने के लिए, बाद में फिर उसे दर के उसका चावल बनाया जाता है। तो देखिए वहाँ पे बनाया गया खलियान, उसे ही खलियान कहते हैं, बहुत सारा बोझ वहाँ पे इकट्ठा करके फिर वहाँ पे सटका जाता है, और सटकने के बाद फिर उसे घर पे ले आया जाता है, तो उसे खलियान कहते हैं, पुरानी भाषा गाँव की भाषा में कहते हैं। ये रहा व्यू दूर से, बढ़िया व्यू है, अगल बगल में खेती कर दी थोड़ी सी, क्यारी बना के सब्जी वगैरह लगा दिया गया है, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, किसी की साइकिल यहाँ पे खड़ी है और वो रहा। चलिए मैं दिखाता हूँ वहाँ पे भी चल के आपको, ऐसे साइड में पूरी तरह से खेती खेती गई, पूरी खेती है यहाँ पे, यहाँ से वहाँ तक जहाँ तक अगर आपकी नज़रें जाएँ पूरी खेती ही खेती है, आप देख सकते हैं। वहाँ पे भी पेड़ वहाँ पे है कुछ ट्यूबवेल टाइप, वहाँ ट्यूबवेल ही है टाइप बता रहा हूँ, मतलब ट्यूबवेल है, वहाँ पे अगल बगल पेड़ लगाए गए हैं, साथ में छोटा सा एक तालाब है जिसमें मछलियाँ वहाँ पे पाली गई हैं, मछली पालन मत्स्य पालन का वहाँ पे कार्य होता है, नाना लगते हैं मेरे तो वही है, पहले फौज में थे बट अभी यहाँ पे रहते हैं, इसी पे खाना पीना नहाना धोना सब यहीं करते हैं देख रेख करने के लिए। सुबह जी रहा वो खलिहान जहाँ मैं कह रहा था, देख सकते हैं आप, छोटी मोटी पार्टी करने के लिए गैस वो काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पे साफ़ सुथरा जगह है इसीलिए कि ताकि धान सटकने वगैरह काम यहाँ पे हो सके, आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ गट्ठर गट्ठर है, पेड़ है, पेड़ के नीचे बनाया गया है, आप देख सकते हैं, कितना साफ़ सुथरा है यहाँ पे जगह। देखिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो छोटी मोटी अगर पार्टी वगैरह करनी है, इंजॉयमेंट करना है, आई एम श्योर सभी लोग करते हैं, मैं अकेला नहीं करता हूँ। इस तरह से दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसे ही खलियान कहते हैं गैस, इस तरह से साफ़ सुथरा किया जाता है और यहीं पे धान सटकना वगैरह यही काम किया जाता है अक्सर, जो मैं वीडियो में बताता हूँ आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो गैस जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ का गांव का रहन सहन कैसा है, शांति कितनी है, ये सब आपने देखा होगा, शहरों में जो चीज़ें ये सब नहीं मिलती है गैस। मैं एक यहाँ पे धान का एक गट्ठर है उस पर मैं एक टेका लेके खड़ा हूँ यहाँ पे, तो मेरे कहने का मतलब है गाइस, अगर समय में अगर आप सभी लोग को मिले अपने गांव जाने का, नानी के गांव, दादी के गांव, जो भी आप जहां गांव आपका नेटिव प्लेस है वहां ज़रूर विजिट करें, ताकि वहां पे क्या चल रहा है, क्या कल्चर है, थोड़ा सा शहरों के मुकाबले, शहरों में ऐसा होता है कि कई जात के लोग रहते हैं, राइट, सबका अपना अलग अलग कल्चर होता है, सो अपने गांव से भी कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। जैसे मैं वाराणसी रहता हूँ, वाराणसी में रहता हूँ, वाराणसी तो शहर है, मैं खैर यूपी उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, सो वहाँ जब भी समय मिले 6 महीने में, 8 महीने में, साल भर में या 6 महीने में, ऐसा इस तरह से हम ज़रूर विज़िट करते हैं। तो मैं भी यही कहूँगा गाइस कि आप भी विज़िट किया कीजिए, इन्जॉय किया कीजिए, गाँव में क्या चल रहा है, क्या नहीं क्या चल रहा है वो भी जानना बहुत ज़रूरी होता है गाइस, क्योंकि गाँव से कहते हैं कि गाँव के लोग जो होते हैं एक दूसरे से बंध के रहते हैं, एक दूसरे को बांध के रखते हैं, तो ये सब सीखना भी ज़रूरी है। मेरी भी शादी पहले मैं शहर में रहता हूँ, शहर में मेरी पैदाइश वगैरह हुई है गाइस, बट शादी वगैरह हमने गांव से ही की है और बड़ा ही इन्जॉयमेंट होता है गाइस, गांव की शादी का जो एक लुत्फ़ होता है वो बहुत ही इन्जॉयबल होता है। तो अभी शायद अभी मेरे यहाँ चाचा के एक लड़के की शादी हमने करवाई है, जैसे कि अगुवाई वगैरह कहते हैं, सो उसके अभी कुछ कार्यक्रम जैसे होता है गुद भराई और परछा बोलते हैं, छेका वगैरह जिसे वो कहते हैं शहर की भाषा में, तो वो होने वाला है, तो उसके ब्लॉग भी मैं बनाऊंगा, शादी के ब्लॉग तो डेफिनेटली, जितने भी रीति रिवाज, क्योंकि हम समय पे पहुंच जाएंगे, तो जितने भी रीति रिवाज सो गाइज होप कि ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, काफ़ी मेहनत करते हैं गाइज आपको सब शूट करने के लिए, टाइम निकाल के दिखाने के लिए, सो अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें तो एक मोटिवेशन मिलता है गाइज हम लोग को,
सो फिलहाल थोड़ी सी गाइस आप देख ना, थोड़ा सा धूप अभी आ गया है, सूर्य भगवान थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं, थोड़ा सा गर्मी टाइप लग रहा है अब तो। अब यहाँ से चलते हैं वहाँ मामी के घर, थोड़ा उनसे मिलेंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे, कहीं और जाना है थोड़ा सा आज मुझे। क्या है सर गाइस कि यहाँ गाँव में आते तो बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो यहाँ पे काफ़ी दिन यहाँ रहा हूँ, थोड़े रिलेटिव वगैरह हैं तो वो बुलाते रहते हैं अपने यहाँ। तो सोच रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सा समय सबके देना ज़रूरी है, क्योंकि इसी से अगर हम किसी के यहाँ नहीं जाएंगे तो वो दूसरा हमारे यहाँ कैसे आएगा। सो गाइज वो सब भी सोचना बहुत ज़रूरी होता है। अब वही तैयारी जाने की, नया ब्लॉग शूट करने के लिए। अभी मैं गाइज मुझे हमने यहीं पे मेरे नानी के घर के पास में थोड़ा सा बाज़ार में वहीं पे घर लिया, पिताजी ने हमारे लेके बनवाया है, छोटा थोड़ा सा छूटा हुआ है बनाना है, तो वहाँ पे भी जाना है क्योंकि वहाँ कोई रहता नहीं है। मम्मी पापा सब साथ में ही रहते हैं, संयुक्त परिवार है तो सब साथ में ही रहते हैं मुंबई में। तो यहाँ पे छुट्टी वगैरह में हम यहाँ पे आते हैं, तो सोच रहे हैं इसको बनवाने के लिए, तो जल्दी ही बनवा देंगे उसे। तो फिलहाल ब्लॉग तो मैं वहाँ पे भी जाने वाला हूँ, मैं बताना भूल गया, अपने घर भी जाने वाला हूँ और साथ में जो हमारे यहाँ पे देवी हैं जो पलना माता, पलना माई जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे भी जाऊँगा ज़रूर। वहाँ का भी शूट करना है, वहाँ की मार्केट की और वहाँ का जो जो वहाँ पे जैसे होते हैं ना ठेले वाले वगैरह, जो वहाँ पे क्या क्या वहाँ पे स्पेशलिटी है, डिश वगैरह क्या मिलता है, छोले वगैरह मिलते हैं, वो सब आपको दिखाना है। बड़ा ही अच्छा मिलता है गाइस वहाँ पे, तो बस उसी के लिए बैठे थोड़े जाएंगे थोड़े में, आज या कल मैं जाऊंगा वहाँ पे, क्योंकि क्या गाइस ड्यूटी भी करना है, सैटरडे संडे ऑफ था तो अभी तो छुट्टी खत्म हो गई, तो ड्यूटी करना है अभी वहाँ पे। सो यही सब चीज़ चल रहा है। सो गाइस तो ब्लॉग को यहीं पर मैं एंड करता हूँ। जैसे मैंने बताया कि ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे इस समय इजाज़त दीजिए, दोबारा हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।